नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ त्रिजा सिंह। जिंदगी कैसे चलती है सोचिए, क्या जिंदगी केवल लड़कियों के दम पर या केवल लड़कों के दम पर चल सकती है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब दुनिया बनी और मनु का जन्म हुआ तो मनु भी दुनिया अकेले नहीं चला पाए और कड़ी तपस्या की और अनंती को पत्नी रूप में पाया। उसके बाद दुनिया आगे चली, यानी कि दुनिया के लिए जितने जरूरी लड़के हैं उतनी ही जरूरी लड़कियां भी हैं। मगर क्या हो अगर हम आपसे कहें कि बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब दुनिया में लड़कों का जन्म होना बंद हो जाएगा, ऐसे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, ऐसा दावा कर रही है साइंस, जो बता रही है कि दुनिया से गायब होने लगा है वाई क्रोमोसोम। देखिए रिपोर्ट और जानिए क्या है पूरा मसला। क्या भविष्य में लड़कों का जन्म नहीं होगा, सिर्फ लड़कियां पैदा होंगी? क्या दुनिया से गायब होने लगा है वाई क्रोमोसोम? कुछ पीढ़ियों बाद सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी? ये कुछ सवाल है जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। दरअसल एक रिसर्च सामने आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि वाई क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो लड़कों के जन्म के लिए जिम्मेदार है वो बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो कुछ पीढ़ियों बाद सिर्फ लड़कियां ही पैदा होंगी। अब आप अगर नहीं जानते हैं कि आखिर वाई क्रोमोसोम क्या है, तो चलिए आपको बचपन में साइंस में पढ़े गए इस क्रोमोसोम से मिलवाते हैं। इंसानों में दो सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पहला एक्स और दूसरा वाई, जो किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण करते हैं। महिलाओं के सेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों में एक एक्स और एक वाई होता है। एक्स क्रोमोसोम में लगभग 900 जीन होते हैं जो लिंग निर्धारण के अलावा तमाम तरह के कार्य करते हैं, लेकिन वाई क्रोमोसोम में करीब 55 जीन और बहुत सारे नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं जो भ्रूण को पुरुष के तौर पर विकसित होने में मदद करता है। लॉट्रोप यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गर्भधारण के लगभग 12 सप्ताह बाद वाई क्रोमोसोम वाला मास्टर जीन दूसरे जीन्स को एक्टिव कर देता है जो तय करते हैं कि बच्चा एक लड़के के रूप में विकसित हो। अब मसला ये है कि आखिर नया रिसर्च क्या कह रहा है। द वीक में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक वाई क्रोमोसोम का ज्यादातर हिस्सा जंग डीएनए से बना है और इसकी संरचना अस्थिर है। इसी वजह से कुछ पीढ़ियों के बाद पुरुषों में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से खत्म होने का खतरा है। क्योंकि पुरुषों के पास क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी होती है, इसलिए जेनेटिकली रिबल्ड होने की संभावना भी नहीं है। क्योंकि ये जेनेटिकली रिबल्ड नहीं होते हैं, इसलिए ये जीन समय के साथ खराब हो जाते हैं। वाई क्रोमोसोम में भी एक्स क्रोमोसोम की तरह 900 के आसपास जीन थे जो अब घटते घटते सिर्फ 55 रह गए हैं। अगर यही ट्रेंड रहा तो आने वाले 11 मिलियन सालों में वाई क्रोमोसोम पूरी तरीके से गायब हो सकता है। इसका मतलब ये है कि लड़के पैदा नहीं होंगे। अब आपके मन में भी ये सवाल पैदा हो रहा होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? तो इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि वाई क्रोमोसोम खत्म होने के बाद इंसानों का अस्तित्व खत्म हो जाए या तब तक कोई नया सेक्स क्रोमोसोम डेवलप हो जाए, कुछ ये कहा नहीं जा सकता है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक कांटेदार चूहों ने अपना वाई क्रोमोसोम खो दिया था, लेकिन वे नया जीन डेवलप करने में सफल रहे। यानी कि देखा जाए तो जब से ये बात सामने आई है कि लोगों में तहलका मच गया है, लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि अगर वाकई रिसर्च का दावा सही हो गया तो फिर क्या होगा। दावा किया जा रहा है कि वाई क्रोमोसोम खत्म हुआ तो ऐसा भी मुमकिन है कि आज से 11 मिलियन साल बाद पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रजनन के लिए शुक्राणु की जरूरत होती है, यानी इसके लिए पुरुषों का होना जरूरी है। साफ है कि वाई क्रोमोसोम का अंत मानव जाति के विलुप्त होने की शुरुआत कर सकता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।